हेलो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें और लाइक और कमेंट करें और ज़रूरतमंद लोग तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। याद हमारा 6 इंच का चौक है, इसे मैं मारूंगा और इसके बारे में आपको सारी जानकारी मैं दूंगा। तो मैं ऐसे ऐसे वीडियो इंटरेस्टिंग लाते रहता हूँ जॉब से जुड़ी हुई, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट जरूर करें। ऐसे अब हम मारेंगे रूट और रूट में आप अपना गैस लेंगे 20 और पावर लेंगे 95 90 और फिलर है 70X6। ये सॉफ्ट मेटल है CS का, तो फिलर है 70X6। तो हम स्टार्ट करते हैं रूट और गैप अपना बराबर होना चाहिए 4 mm का और फिर हम रूट स्टार्ट करते हैं। फिर आपको बाहर और अंदर का दोनों दिखाते हैं, पेनिट्रेशन कितना होना चाहिए 1 mm से 1.5 mm। मेल्टिंग के पास आते हैं तो जो मेल्टिंग के लिए पहले छोड़ते हैं वहाँ पे पॉइंट बनाना है और जो स्टार्ट लेकर आ रहा है रूट उसका दोनों को पॉइंट बनाना है, यानी ग्राइंडर से क्लीन करके तब मारेंगे तो मेल्टिंग आपका बराबर होगा। बोलते हैं जो हमारे अंदर में अभी 1 mm तक आया है, 1 mm तक निकला है, देखिए 1 mm से 1.5 mm तक निकला है और पूरे नीचे से लेकर के पूरा ऊपर तक। ओके गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा नीचे से लेकर के ऊपर तक है और मेल्टिंग भी बहुत अच्छा है, आपको दिख सकते हैं ये मेल्टिंग पॉइंट है जो आपको हम दिखाते जा रहे हैं, इस तरह होना चाहिए। ओके गाइस, मेल्टिंग पॉइंट भी मेरा बराबर है, रूट भी बराबर है अच्छा तरह से। गाइस, जब भी आप मारेंगे तो बराबर आप 1 mm अंदर में डाल के मारिए, रूट का जो आपका कलर है पेंडेंसर कलर ऐसा आना चाहिए ताकि आपका अच्छा से बढ़िया से स्मूथ रूट निकल सके। तो रूट का कलर जो होगा ऐसा आएगा तो समझिएगा रूट आपका बहुत अच्छा है और दोनों एज को पकड़ के अच्छा से आप मारिएगा। ओके गाइस, ये हमारा रूट है जो पूरा अच्छा तरह से हो गया है, आपको मैं दिखा रहा हूँ चारों साइड में। ओके गाइस, ये अपना पेंडेंसर है जो और गोल्डन कलर होना चाहिए, जैसे मैं आपको रूट में दिखा रहा हूँ कि इस तरह होना चाहिए, ऐसा कलर होना चाहिए। तो हमने रूट मारा है तो इस तरह कलर दिखेगा, जब फर्स्ट लेयर मारेंगे तो ऐसा कलर दिखेगा और जब हॉट पास मारेंगे आर्क मारेंगे तो कलर इसका चेंज हो जाएगा। जब आप बाहर से मारेंगे तो कुछ इस तरह आपका रूट दिखाई देगा, कुछ तरह इस तरह रिजल्ट रहेगा आपका। तो दोनों एज पकड़ के मैं मारा हूँ, दोनों एज के अंदर में आपको दिख रहा होगा और यहाँ तक बेवल है और यहाँ तक बेवल है। ओके गाइस, ये अभी यहाँ तक बेवल है, यहाँ तक बेवल है जो मुझे मैनुअल मारना है।
और ये हम रूट मारे हैं तो पूरा एज पकड़ के मारे हैं। आप अभी यहाँ से रूट मारा है दोनों एज पकड़ के, तो आपको दिख सकता है कि इस तरह आपको कुछ बाहर से दिखेगा। गाइस हमने फर्स्ट लेयर मार लिया है जो फर्स्ट लेयर को बोलते हैं रूट, और हम मारेंगे अब सेकेंड लेयर हार्ड पास। हार्ड पास मारने का वजह क्या है और कारण क्या है? हार्ड पास मारने से ये होता है कि जब हम मैनुअल मारेंगे तो डायरेक्ट हमारे रूट पे नहीं जाएगा, नहीं तो वरना रूट जल जाता है। और हार्ड पास मारेंगे तो हमारा हार्ड पास से क्या होता है कि डायरेक्ट रूट पे नहीं जाएगा, और हार्ड पास से उससे बहुत ज़्यादा फायदे मिलते हैं कि हमारा रूट होल नहीं होता है, जलता नहीं है। और हार्ड पास मारने से क्या होता है कि जहाँ हमारा कम बेसी अगर रूट पेंडेशन बराबर नहीं आया वहाँ एक रूट आ जाता है। तो हम अभी हार्ड पास मारेंगे या ठीक यानी अर्गन यानी घटाऊ तीन नाम से जाना जाता है। तो अभी हम मारेंगे गाइस अब हार्ड पास। हार्ड पास मारने के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। हार्ड पास जब मारिएगा तो 160 तक पावर लीजिएगा, 140 से लेकर 160 तक पावर लीजिएगा और बराबर मारिएगा। दोनों साइड में रोकना है आपको, बीच में कहीं नहीं रोकना है, दोनों साइड में आपको रोकना है और रोकते हुए जाना। जैसे इस तरह रोकना है आपको, दोनों साइड में आपको इस तरह रोकना है। ओके गाइस जब हार्ड पास मारेंगे तो फास्ट में भागेंगे, जल्दी जल्दी भागेंगे और दोनों साइड में ऐसे ऐसे आपको रोकते हुए जाना है। ओके गाइस दोनों साइड में बस रोकते जाना है ताकि आपका हार्ड पास अच्छा से हो सके। ओके गाइस तो हार्ड पास मारने का ये वजह है। और कभी तो पावर बराबर अपने माइंड में रखेगा कि हार्ड पास 150 से लेकर 160 तक मार सकते हैं 70H2 के फिलर में, 70X6 फिलर में, CS के मेटल में। ओके गाइस एक जॉब का हर एक मेटल का अलग अलग प्रोसीजर है। ओके गाइस तो मैं अभी हार्ड पास मार रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ रूट को मारने के बाद हार्ड पास जब मारेंगे तो कलर उसका चेंज हो जाएगा। ये मैं भी हार्ड पास मारा हूँ, आप देख सकते हैं हार्ड पास कुछ इस तरह आपको दिखेगा। और इस तरह आपको हार्ड पास मारना है यानी दोनों साइड में आपको रखते हुए चला जाना है। तो गाइस और करीब से मैं आपको दिखाता हूँ हार्ड पास इसे बोलते हैं। रूट पास के बाद जो मारते हैं सेकंड लेयर उसे हार्ड पास बोलते हैं। टेक से यानी अर्गन यानी कटाउट यानी तीन नाम से जाना जाता है। इस आप ये देख सकते हैं कि हमने रूट में मारा था तो कलर कुछ और दिख रहा था और हार्ड पास मारा तो कलर कुछ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। अब हम जब मैनुअल स्टार्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। तो यह हार्ड पास मारने के बाद ऐसा कलर हो गया है। रूट में आपको मैं दिखाया था तो गोल्डन कलर दिख रहा था और हार्ड पास मारेंगे तो इस कलर को दिखेगा। तो गाइस अब इसके बाद हम मारेंगे मैनुअल तो और आपको कलर चेंज हो जाएगा। गाइस अब हम मैनुअल में सेटिंग करते हैं, ठीक है गाइस। जो आपको बत्ती बढ़ रही है आपको दिख रहे हैं और ये जो नीचे इसे मैनुअल बोलते हैं यानी समाव। तो हम अभी समाव चला रहे हैं, समाव की सेटिंग किए हैं। तो हमें आर्क मार के चेक करना है कि हमारा आर्क में सेटिंग है या नहीं है, समाव में सेटिंग है या नहीं मशीन। तो हम इसे समाव में लाते हैं नीचे जो होल्डर की तरह दिख रहा है। यहाँ पे हमने बटन ला दिया, जैसे आप यहाँ लाएंगे वैसे यहाँ पे ब्लू कलर का टिक बन जाएगा। ओके गाइस ब्लू टिक का स्टिक बन जाएगा। ओके गाइस और यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाँ ओके हो गया है। अब ये देखिए आपको यहाँ पे वोल्टेज दिखाएगा, पावर दिखाएगा, इससे हम कम बेसी कर सकते हैं पावर कम बेसी। और हम चलिए राड मार के चेक करते हैं कि हमारा सेटिंग ओके है कि नहीं ओके है। गाइस हम अपने मशीन का सेटिंग कर लिया है। अब ये राड है मैनुअल 7018 का राड है और होल्डर। हम मार्केट चेक करते हैं कि हमारा सेटिंग ओके है कि नहीं ओके है। हमारा सेटिंग ओके है और देख सकते हैं कि राड बहुत अच्छा तरह जला है। आपको छुड़ा के भी दिखाते हैं। गाइस आप देख सकते हैं जो हमने मशीन चेक किया बहुत बराबर है और अपना जो राड मारा अच्छी तरह से हमारा सेटिंग ओके है। तो आप भी इस तरह सेटिंग कीजिएगा, आप जब भी मारना है मैनुअल आर्क तो आपको सेटिंग ऐसा करना है मिलर मशीन का। ओके गाइस तो प्लीज़ आप हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।